नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर के पुरम विधानसभा के मोहम्मदपुर गांव में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संदीप वर्मा जी, मंडल के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है भाजपा में, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ आपका? लगभग 5 वर्ष हो गए मेरे को इस राजनीति में जुड़े हुए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो मूल रूप से ज़मीन से जुड़ते हुए जो लोगों की सेवा करती है। बाकी तो आप सब जानते ही हो कि कागज़ों में कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से लेकर हर चीज़ तक जो एकदम सादगीपूर्ण तरीके से काम करती है। सर, इस समय तो वर्तमान पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, कहीं ना कहीं बंदा उस तरफ रुख कर रहा है, आपका क्या मतलब रीज़न है? सर, आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया इस कोरोना की महामारी में। यहाँ की विधायिका हैं, विधायिका जी का तो खैर इस समय पर कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ कोई सेवा कर रहा है। फिलहाल में यहाँ के निगम पार्षद भगत सिंह टोकस जी, जिन्होंने कल भी कच्चा राशन बांटा है सेक्टर 1 में, जहाँ हमारी माननीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी भी आई थी। कब से बांट रहे थे ये? जब से, जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है उसी दिन से भाई निगम पार्षद भगत सिंह टोकस भी और पूर्व विधायक यहाँ से अनिल शर्मा जी, उनका रोज की उनकी किचन चल रही है, जो जितने भी ज़रूरतमंद हों, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हों या ज़रूरतमंद हो, सबको खाना घर घर पहुँचाया जा रहा है। सेवा इसमें, सेवा इसमें सर जैसे सेवा होती है सेवा बताकर नहीं होती, ये है कि अंदरूनी सेवा होती है। और इनके साथ भी जुड़े हैं, उनके साथ भी जुड़े हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में समय के मुताबिक कोई भी पूर्व हो या वर्तमान में हो, सब सेवा कर रहे हैं। सर, ये बताएंगे मोदी जी के 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कुछ इस पर आप अपना टिप्पणी देना चाहेंगे? सर, मोदी जी के कार्यकाल में आज तक जो काम नहीं हुए थे वो काम हुए हैं, जैसे कि राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, करीब 550 सालों से इस देश में उथल पुथल चल रही थी, उस पर निरंतर एक सीमित कर उसको आगे बढ़ाया गया। धारा 370 जम्मू कश्मीर, उस पर सबसे ज़्यादा विवाद था, उसे सुलझाया गया। बांग्लादेश और भारत का सीमा विवाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो आसाम में भी उसी के ऊपर ही सब विवाद हुआ था, उसे भी सुलझाया गया। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देश को मजबूती से प्रदान किया जा रहा है हमारे मोदी जी द्वारा, जैसे रफेल आया, ब्रह्मास्त्र आया, कुछ चीज़ें यहाँ निर्यात नहीं होती थी, वो निर्यात यहाँ बनाकर अब दूसरे देशों में निर्यात की जा रही है जी। ये भी सर, वैक्सीन को लेकर बात कर लेते हैं, वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही दिल्ली में? सर, वैक्सीन तो केंद्र से पूरी आ रही है, लेकिन अभी आपने कुछ वीडियो ऐसी भी देखी होंगी जिसमें कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहाँ भी और यहाँ भी, जो ना लगाते हुए भी उनकी बर्बादी की जा रही है वैक्सीनों की। तो आ तो पूरी रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की रणनीति कर रहे हैं ये जो विपक्षी दल है। दिल्ली में जो इतनी महामारी जो इतनी फैली, इसकी वजह जानना चाहते हैं? सर, महामारी जो ये फैली है इसमें किसी का कोई सिस्टम तो नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे शुरुआत में रोक देना चाहिए था। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई इसमें। ऑक्सीजन केंद्र ने सन 2017-15-16 में ही ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त तरीके से केजरीवाल सरकार को पैकेज भी दिया था, पर वो इनकी बदहाली का आप नतीजा देख रहे हो जो जनता को भुगतना पड़ा। सर, इस महामारी में कई परिवार को दिए बुझ गए, बच्चे अनाथ हो गए सर, तो उसको लेके भी सर सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल कोरोना में मृत दिल्ली पुलिस के एक जवान थे, जिनको इन्होंने एक ट्वीट करके भी कहा था कि 1 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा। आज उस चीज़ को भी पूरे 1.25 साल हो चुके हैं जो अभी तक वो राशि नहीं पहुंची। तो हमें आम आदमी पार्टी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आप जगह जगह, आप भी जा रहे हो, आप खुद जानते हो, या मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व हो या वर्तमान में निगम पार्षद हो, विधायक हो या कार्यकर्ता हो, वो ज़मीन से लेकर हर जगह तक मजबूती से काम कर रहा है और जन सेवा और जन समर्पण की भावना से सब काम कर रहा है। और कहीं कच्चा राशन हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, हर तरीके से वो लोगों की मदद कर रहा है।
चाहे वो कोरोना वॉरियर के लिए हो या ये जनता के लिए हो। सर रोजगार को लेके बात कर लेते हैं। सर रोजगार तो सर जो दिल्ली में है 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ के आसपास तो पूरे देश में मैं कहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो दिल्ली के अंदर में बहुत, मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मेरी गांधीनगर में दुकान है, मैं डेढ़ से दो महीने से हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, इधर बाज़ार वाले जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, साप्ताहिक बाज़ार जो लगता है वो करीब करीब 2 महीने से बंद कर दिया गया है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली सरकार में है और बाज़ार भी वही उन्हीं के अंडर में आता है, तो उनको 1 महीना अगर आप दुकानें नहीं लगवा रहे तो 1 महीना एक बांध दिया जाए कि जी आप जब तक आपकी दुकानें नहीं लग रही ये लो जी महीना आपको ही मिलता रहेगा, ताकि उनका गुजर बसर हो, ताकि उनका गुजर बसर कंगाली की कगार पर हैं। और बहुत घर ऐसे हैं जिनको राशन निगम पार्षद द्वारा और विधायक द्वारा मैंने खुद पहुंचाया है। अच्छा और कुछ कहना चाहते हैं हम लास्ट में संजीव जी, लोगों को जागरूक करने के लिए? जैसे कि मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, और ना रहेगा कोरोना, और जैसे भी हो ऊपर वाला सबको कुशल मंगल रखे, यही प्रार्थना है मेरी। हाथ जोड़ने वाला। तो ये हमारी सीधी बात संदीप वर्मा जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।